पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में गुरुवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना मुरादाबाद के मछोला थाना क्षेत्र में लाइन पार पुतली घर पर हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम कौशल पुत्र सीताराम है। वो पीतम नगर थाना मझोला का रहने वाला है। उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक हलवाई का काम करता था। घटना की वजह के बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि युवक के सिर में चोट मिली है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मंडी गेट पर शव रख कर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया और मामले को शांत कराया। मेरा नाम सोनू सर। अच्छा, क्या मामला हुआ, क्या घटना बैठी है? सर, मेरा भाई था बड़े, मेरे से दूसरे दे नंबर पर था, तो नाम क्या था उनका? उसका नाम कौशल नाम था। क्या हुआ है? तो सर, उसका जो झगड़ा हुआ था पहले कभी, एक आध महीने पहले, तो उसमें मेरे भाई को, उससे मेरे से चार भाई हैं, हमने चौथे नंबर के अब मेरे भाई को उसने गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करने के बाद एक दिन में वो जेल गया। एक दिन के बाद आया तो उसको चैलेंज दिया कि तिया अगली बार दोबारा बताएंगे हम। उसे चैलेंज दिया कि तिया बाद में बताऊंगा मैं, उंगली धरेगी इस तरीके से, उंगली दिखा करके अगली बार को मैं तिया बताऊँगा जिस दिन तू मुझे मिलेगा। तो जिससे लड़ाई हुई थी उसी को पकड़ लिया था, जो गिरफ्तार करवाया था वो मेरे से और उससे भी बड़ा मेरा भाई था। उसको उसने कुछ नहीं कहा। तो मेरे छोटे भाई को जिससे लड़ाई हुई थी उसकी मैन, उसको पकड़ के वो रात शाम काम पर गया था हलवाई के खाना बनाने के। तो वो आया, आने के बाद मेरी भाभी ने, मतलब आ रहा था वहाँ से, आने के बाद आते हुए पे मेरी भाभी ने फ़ोन करा कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बोले 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो मेरी भाभी ने बैक कॉल दोबारा करी तो कोई कॉल नहीं लगी, कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसका कुछ पता नहीं चला हमें। हमने तो पूरी रात उसे ढूंढा भी तो हमें पता ही नहीं लगा कहाँ पर है। सुबह देखा सर, तो हमने हमारे तो नकदीश पे एक फ़ोन आया कि हमारा फ़ोन पे वो कि तुम्हारा एक ऐसा कौशल नाम का कोई है, ऐसे ऐसे ये पड़ा है यहाँ पे, इसकी डेट हो गई है। कहाँ पे पड़ा हुआ था ये? पुतली घर, क्या कहते हैं, पुतली घर जो पड़ता है ये रामने ग्राउंड के पास। आखिरी बात हुई थी शायद 11:00 कुछ पे ही हुई थी, 11 के 12 के बीच में। झगड़ा हुआ था, क्या नाम था उसका? उसका नाम है दीपक, नहीं अजय, सॉरी अजय नाम है, सैनी है वो भी, मोहल्ले के रहने वाले ही है वो भी। जब आपने मौके पे जाके देखा तो क्या करते हैं? मौके पे कुछ नहीं था वहाँ पर उस टाइम, मेरा सिर्फ मेरा भाई था और दो चार पुलिस वाले थे बस। कहाँ चोटें लगी थी? चोट तो सर ये मुझे नहीं पता, बाकी उसमें खून वून बाकी बहुत पड़ा था। उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें बिल्कुल नहीं जाने दिया पास में, कि तुम्हें हम कह रहे थे हमें हमने भाई को चेहरा दिखा दो एक मिनट, तो भाई का चेहरा भी नहीं दिखाने दिया सर। पुलिस पहुँच गई थी, हमें दूर अलग कर दिया था। हमारे थाने में गए, थाने में भी सर ऐसी, जो मुस्लिम था उसके अंदर बैठ के सुनवाई हो रही है, जो हम थे हमारी बाहर होके मुस्लिम से अलग होकर, मतलब जो मुस्लिम था अलग होकर, हम सब कहना है कि बाद में बात करें। अभी मझोला थाना क्षेत्र में जो जाम लगाने का पूरा रहा है, क्या है पूरा मामला, किस युवक की मौत हुई? देखिए, एक 112 नंबर पे आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सूत मिल के पास में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। उस पर पुलिस पहुंची थी और उसके बाद उसकी शनाख्त कराई गई है। वो कौशल नाम का एक 25 वर्षीय लड़का है, उसकी डेथ हुई है। उसमें उसके पिता की तरफ से 4 लोग के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम के बाद ही उसमें पता चलेगा कि डेथ की किस तरह से हुई है। और बाकी सभी लोग, हम लोग लगे हुए हैं इस घटना को, जो भी नामजद है उनके बारे में और बाकी और साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया अब तक क्या कुछ महसूस? इसमें अभी तक जो देखा गया तो सर पे चोट आई है, लेकिन असली बात तो तभी पता चल पाएगी जब पीएम हो जाएगा। सब परिवार वाले अभी यहाँ पे जाम लगा रहे थे, तो क्या उनको समझा बुझा कर लाने लगे? बिल्कुल, कुछ लोगों में रोष था, किसी का बच्चा गया उसमें रोष था, लेकिन हम लोग ने उन्हें समझा बुझा के हटा दिया और पुलिस उसमें पूरी तौर से निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।